सूखी हुई फटी हुई एड़ियों पर इस क्रीम को लगाएं, रात भर में कोमल और सॉफ्ट बनाएं। नमस्कार, फटी हुई एड़ियों से छुटकारा पाने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय। दोस्तों, हमारी हथेलियों और पैरों पर सबीशियस ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथि ना होने के कारण उसमें हमेशा ड्राइनेस यानी कि सूखापन बना रहता है, और यही कारण है ठंड बढ़ने से या ज्यादा देर नंगे पांव और धूल मिट्टी में रहने से हमारे पैरों की एड़ियां धीरे धीरे दोस्तों सख्त होने लगती है और उनका मांस फटता है, जिसे हम फटी एड़ियां कहते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों इन एड़ियों में से खून निकलने लगता है, जो हमें बहुत ही परेशान करती है। और इसीलिए दोस्तों, जिस तरह से हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये जो उपाय दोस्तों आप देख रहे हैं, ये उपाय आपके पहले दिन से ही फटी एड़ियों को ठीक करना शुरू करेगा। और रात भर में दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां सॉफ्ट और कोमल दिखने लगेंगी। तो चलिए ये जानते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है। इस क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर लीजिए मस्टर्ड ऑयल को, यानी कि सरसों के तेल को। फटी एड़ियों को ठीक करने के साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी एड़ियों में खून निकलता है या अगर आपकी एड़ियों में जख्म है, उन्हें भी सरसों का तेल बहुत अच्छे से ठीक करेगा। इसीलिए दोस्तों हम इस क्रीम में सरसों का तेल मिलाएंगे। आप यहाँ पर दोस्तों एक चम्मच जो है सरसों का तेल लीजिए। अब एक चम्मच इस तरह से इस तेल को मिलाइए। और अगली चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है दोस्तों पेट्रोलियम जेली। हमने जो है दोस्तों यहाँ पर वैसलीन का इस्तेमाल किया है। आप दोस्तों यहाँ पर कोई भी पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं। सूखी और फटी हुई एड़ियों पर दोस्तों मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चर जो है हमारी एड़ियों को जल्दी से नमी देगा और उन्हें पहले जैसा ठीक करेगा। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक चम्मच जो है वैसलीन लेनी है। आप इस तरह से ये जो एक चम्मच जो है इस जेली को इसमें मिला दीजिए। और फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों कपूर का। ये जो कपूर दोस्तों वही कपूर है जिसका हम पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको दोस्तों ये कपूर लेना है। ये कपूर दोस्तों आपको आसानी से किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगा। आप ये एक कपूर लीजिए और इसे निकाल लीजिए। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए दोस्तों कपूर बहुत ही फायदेमंद है। आप इस कपूर को बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लीजिए। आप किसी भी वजनदार चीज से इसे बारीक पीस लीजिए। और आपको इसे कितना मिलाना है ये देखिए। आपको जो है दोस्तों ये कपूर एक चुटकी लेना है। आप एक चुटकी के बराबर कपूर को इसमें मिला दीजिए। और आखिरी चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों नारियल का तेल। नारियल का तेल दोस्तों फटी एड़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप यहाँ पर ये नारियल का तेल लीजिए। आप दोस्तों कोई भी नारियल का तेल ले सकते हैं। और इस नारियल के तेल के डेढ़ चम्मच जो है आपको इसमें मिलाने हैं। आप इस तरह से डेढ़ चम्मच के बराबर जो है दोस्तों ये नारियल का तेल लीजिए और इसमें डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इन्हें चम्मच से 1 से 2 मिनट तक हिलाएंगे। आप इन्हें 1 से 2 मिनट तक हिलाइए ताकि ये जो है एक बिल्कुल पतला पेस्ट बन जाए। और इसके बाद दोस्तों आपको इस पेस्ट को आधे घंटे तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये जो है ये दोस्तों एक क्रीम की तरह बन जाएगा। और ये जो क्रीम है दोस्तों आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। आपको इस क्रीम का इस्तेमाल अपनी एड़ियों पर कैसे करना है, जिससे रात भर में ही आपको इसका असर देखने को मिले, आइए देखते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपने पैरों को हल्के गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबाइए और उन्हें अच्छे से साफ कीजिए। इससे दोस्तों आपके पैरों से मैल भी उतरेगी और साथ ही साथ अपने पैरों की गंदगी भी बाहर आएगी, जिससे दोस्तों आपके ये पैरों पर दुगनी तेजी से असर करेगी। और फिर आप लीजिए इस क्रीम को। आप दोस्तों इस तरह से इस क्रीम को अपनी उंगली पर लीजिए और इसे जो है अपनी फटी एड़ियों पर अच्छे से लगाइए। और इसके 1 से 2 मिनट तक मालिश करने के बाद आपको दोस्तों इस क्रीम को फिर से अपने पैरों पर लगाना है और अपनी फटी एड़ियों को दोस्तों इस क्रीम से ढक लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप सॉक्स यानी कि जुराबे डाल लीजिए ताकि दोस्तों आपके पैरों को हवा ना लगे। आपको दोस्तों इस उपाय का इस्तेमाल रात में करना है। आप रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल कीजिए और रात को जो है आपको सॉक्स डाल के ही सोना है। और सुबह तक दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी फटी एड़ियां बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। आप दोस्तों इस उपाय का इस्तेमाल सिर्फ 1 हफ्ता कीजिए और 1 हफ्ते में ही दोस्तों आपकी फटी एड़ियां बिल्कुल कोमल और सॉफ्ट बनेंगी और उनका खून निकलना भी बंद होगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।